हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम एक नई सीरीज की स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट एपिसोड मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। ये बिजनेस से रिलेटेड होगा, सीरीज का नाम आपको दिख जाएगा। वैसे मैंने अभी सोचा नहीं है, फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज हम ये करेंगे इस एपिसोड के अंदर कि हम फैक्ट्रीज जाएंगे, उसमें से आपको बताएंगे लाइव के कैसे माल आता है, कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे काम होता है, कैसे वेंडर्स से माल लिया जाता है, कितना प्रॉफिट है, एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किस बिजनेस में कैसे काम करना है। तो ये वीडियो है पुराने कपड़े कॉटन वेस्ट के बारे में जो बाहर से इंपोर्ट होता है और इसका बिजनेस बहुत बड़ा है इंडिया के अंदर। ये सारे 50 किलो के बोरे तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। अगर आप कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं इस लाइन के अंदर, होजरी लाइन के अंदर या पुराने क्लोथ के अंदर, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, जरूर शेयर करना। इस बिजनेस के अंदर 200% से ज्यादा प्रॉफिट है, सिर्फ आपको अपना दिमाग लगाना है। अपने होम टाउन जोधपुर के अंदर एक फैक्ट्री में गया था जो बाहर से कपड़ा इम्पोर्ट करती है, पुराना कपड़ा। बाहर से इम्पोर्ट करना काफी मुश्किल है क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी लग जाती है और GST वगैरह काफी कुछ लग के आप शायद ना कर पाओ, बट पानीपत, सोनीपत और दिल्ली अंदर ये पुराना कपड़ा बहुत पड़ा है, सिर्फ आपको वहां से लाना है। यहाँ पे आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये बड़ी बड़ी गठानों के अंदर जिसको बेल बोलते हैं वो आता है, कभी बात है सरप्राइज बेल होती है। अंदर क्या आ रहा है आपको कुछ पता नहीं है, अंदर बहुत अच्छे कपड़े आ सकते हैं, बहुत अच्छी ब्रांड के कपड़े आ सकते हैं, जैकेट्स आ सकते हैं, बट ये गठानों के ऊपर अलग अलग मार्का होता है। कॉटन से अलग होते हैं, विंटर्स वियर्स अलग होते हैं, स्वेट शर्ट और जो भी आप वहाँ से लेंगे वो है, बट अंदर क्या निकलने वाला है ये बिल्कुल सरप्राइज होता है। तो आपने सिर्फ ये करना है जैसे ये फैक्ट्री वाले कर रहे हैं कि हम इस फैक्ट्री में गए थे जोधपुर में, अपने बंदे लगा रखे हैं सिर्फ अलग अलग डिवाइड करने के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से। बहुत अच्छे कपड़े हैं वो अलग कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जैकेट्स, उसके बाद में स्वेट शर्ट, उसके बाद में श्रग्स और जो और सबसे लास्ट के अंदर जो वेस्टेज बचता है जिसको कोई भी नहीं ले जाता। तो ये क्या करते हैं, कुछ शोरूम्स वाले यहाँ से ले जाते हैं कपड़े और अच्छी ब्रांड के कपड़े जो है ड्राई क्लीन करवा के वो आपको बेचते हैं, आपको बिल्कुल पता नहीं पड़ता क्योंकि बहुत फ्रेश कपड़े आते हैं। सेकेंड ठेले वाले वो ले जाते हैं, मेले लगाते हैं, मेले के अंदर स्टॉल्स लगाते हैं वो भी यहीं से ले जाते हैं, श्रग्स, शर्ट्स, पेंट शर्ट, काफी कुछ निकलता है इसमें। लास्ट के अंदर जो कचरा बचता है मैं आपको दिखाता हूँ, वो मशीनें लगा रखी है उन्होंने कटिंग करने की, ताकि कैंची से काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। सो इन्होंने 50,000 की मशीनें लगा रखी हैं जिसके अंदर आदमी ये करते हैं, बाजू अलग करते हैं एंड ऐसे कटिंग करते हैं ताकि जो फैक्ट्रीज के अंदर लेबर हैं जो हाथ साफ करने के काम आते हैं और मशीनों के अंदर जो कपड़े काम आते हैं वो वेस्ट भी यहाँ से निकलता है, वो भी 50 रुपये किलो ये बेच देते हैं। और ये कैसे प्रोसेस होता है चलिए फैक्ट्री पूरा बताता हूँ मैं डिटेल के साथ में। ये देखो कितना सेटिस्फाइंग है, ये सोने के भाव बिकेगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम बैक टू अनदर व्लॉग। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आया हूँ एक ऐसी फैक्ट्री में जहाँ से बाहर से कपड़े इंपोर्ट होते हैं और वहाँ से पूरे शहर में कपड़े दिए जाते हैं, वो भी इंपोर्टेड अच्छी ब्रांडिंग वाले कपड़े। विंटर है तो इसमें से जैकेट्स वगैरह काफ़ी सारे निकलते हैं लाइक दिस, ये तो मैंने बाहर से लिया है बट यहाँ पे भी काफ़ी सारे हमने सेलेक्ट किए हैं कपड़े। और उसके बाद में ये जितने भी यहाँ पे शोरूम्स हैं वो वाले यहाँ से लेके जाते हैं, प्लस बाहर के जो मेले लगते हैं वो भी यहाँ से लेके जाते हैं। बाद में जो अच्छे कपड़े बचते हैं उनको ये वेस्ट करके, कटिंग करके, जो मैं आपको प्रोसेस पूरा बताऊंगा, उसके बाद में कंप्रेस करके बाहर फैक्ट्रीज में बेचते हैं वेस्ट हाथ वगैरह साफ करने के लिए। एंड बाकी सारे प्रोसेस जो है पूरा मैं आपको दिखाता हूँ, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। बाहर की कंट्रीज में से कंटेनर कुछ इस तरीके से यहाँ इम्पोर्ट होता है, आप देख सकते हैं ये कितना सारा भंडार पड़ा है वेस्टेज का। तो ये जितने भी वेस्टेज कपड़े हैं इसमें से इतने अच्छे अच्छे कपड़े हमें ये ओनर्स निकाल के दिखा रहे थे जो ये अभी कटने वाले हैं, अभी इसका प्रोसेस आपको दिखाते हैं हम। ये कंटेनर जितना भी माल आता है ये इसको मतलब ऐसे ऐसे जगह बेचते हैं, जैसे अभी बता रहे हमारे यहाँ पीतल की चेन भी आती है जैकेट्स के अंदर लगी हुई, तो वो पीतल की चेन देखते हैं, वो निकाल के ये डायरेक्ट अहमदाबाद सेल करते हैं पीतल वालों को। ये किस चीज़ के आंबे की, अच्छा ये अलग कर ले तो पहले, ये जैसे ये तांबे की चेन है तो ये सारी चेनों के कट्टे भरे हुए हैं यहाँ पे बोरे, सो ये सब चेन यहाँ से निकल के वो कबाड़ियों को चली जाएगी स्क्रैप के अंदर, वो तांबे का भाव आपको पता ही है। ये देखो आप, ये ऐसे के ये सारे बोरे भरे पड़े हैं, सो ये सारा आपको कॉटन वेस्ट का कपड़ा बाहर से लाना है, सिंपल सी बात है, और आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है, चेन अलग कर लेनी है, आपने पुराना माल अलग कर लेना है, आपने नया माल अलग अलग कर लेना है, उसके बाद में आप कैसे उसको बेचते हैं ये सिर्फ समझदारी है कि किस तरीके से आप अपना माल बेचते हैं लोगों को अलग अलग भाव के अंदर, अलग अलग चीज़ों के अंदर।
जैसे इन्होंने अभी ए प्लस का माल अलग कर लिया है, ये देखिए खोल के बताना। मैंने लिया, बाकी तो ना चेक कर ले। ये देखो, ये कहाँ का है, कोरिया का है ये कि दुबई का है? उत्तर कोरिया का, ये कोरिया से इंपोर्ट किया था इन्होंने। सो जैसा कि आपने देखा, ये इंपोर्ट तो हुआ है पुराने कपड़ों के भाव में और बिकेगा नए कपड़ों में। जैसे इसको ड्राई क्लीन करा के अच्छे शोरूम्स में देंगे और वो वहाँ से इसकी कीमत वसूल करेंगे। इसके दिमाग में आया ये बिजनेस करने की, बिजनेस बहुत अच्छा है ये। आपको सिर्फ बाहर से कंटेनर मंगाना है वेस्टेज का और यहाँ पे आपको सिर्फ अलग अलग करके इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, चेन अलग करनी है, जैकेट्स अलग करने हैं और अपने अपने दिमाग से जैसे चाहे आप बिजनेस कर सकते हैं। जैसे ये बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं अपना, स्क्रैप में अलग जा रहा है, वेस्टेज में अलग जा रहा है एंड जैकेट्स अलग दे रहे हैं लोगों को, शोरूम में अलग जा रहा है। तो वेस्ट को ऐसे इन्होंने रिसाइकल किया है कि पैसा ही पैसा है। चीज़ पता पड़ी है, ये एम्ब्रॉयडरी भी बेची जाती है। अच्छा, ये चीज़ भी अलग कर लेते हैं कपड़ों में से, ये चीज़ काट के और ये पर्स और हैंडीक्राफ्ट्स में ये देते हैं। सो डायरेक्ट ये कटिंग होकर हैंडीक्राफ्ट पर्स में लग जाती है और काफ़ी सारी चीज़ें बन सकती हैं। लिमिट है यार, 50 किलो की एक गाठ बढ़ाएंगे ये पूरा, इसको कंप्रेस करेंगे, ये पूरा एक गाठ में आ जाएगा। मैं बता दूँ कटिंग कैसे होता है, कटिंग हुआ शर्ट है, स्कूल का शर्ट है, यूनिफॉर्म है, बस इतने होगा। डोर ये कौन हटाना? अच्छा ये वाला भी ये पहले पूरा 50 किलो इसके अंदर तोलेंगे, उसके बाद में फिर वो वाली गांठ बनाएंगे, मतलब पूरा मेजरमेंट करके देते हैं किसी को ज़्यादा ना चला जाए। श्रिंक कर देगी ये पूरे कपड़े को, इस ये 50 किलो में आ जाएगा, मतलब इतना 50 किलो सामान जो है वो इतने से एक बंडल में 50 किलो कंप्रेस कर सकती है मशीन। अभी इन्होंने बताया कि ये एक ब्लेड 700 से 800 रुपये की आती है और एक महीने के अंदर घिस जाती है। आप देख सकते हो कितना यहाँ बड़ा ह्यूज काम हो रहा है और सिर्फ कपड़े से कटने से घिस जाती है ये, और कितनी शार्प ब्लेड है ये देखो। चालू हो चुका है ये, इन्होंने पन्नी लगा दी है यहाँ पे और मशीन में हवा भर चुकी है, हाइड्रोलिक तैयार है करने के लिए। अच्छा, पहले ये पन्नी बिछा के इसके ऊपर एक कपड़ा रख दिया, ये लिया उन्होंने कपड़ा। अच्छा, इसको ऊपर डाला है ना, अब भर रहे हैं। अच्छे, एक और पन्नी आएगी, राम इतना बड़ा बोरा, ये इतनी सी छोटी गांठ में 50 किलो माल आ गया है। ये 50 किलो की गांठ वेस्टेज के लिए जा रही है जो लेबर यूज़ करती है। फाइनली इन्वेस्टमेंट की बात कर ले तो आपको 50,000 के अंदर कटिंग मशीन लानी होगी और 3 से 4 लाख के अंदर आपको कंप्रेस मशीन मिल जाएगी। अगर आप इनिशियली काम स्टार्ट कर रहे हैं तो एक मशीन 2 आदमी से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, चूँकि साल भर के अंदर आपको डबल प्रॉफिट देगा इंशाल्लाह। आगे एपिसोड्स के अंदर मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इसी तरह के और काम बताता रहूं जो आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपके स्टार्टअप में आपको मदद। भी सोच रहे हैं ये बिजनेस करने का, तो ये सारा जितना भी इसका कॉन्टेक्ट है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इसको ऐड किया है और पूरी डिटेल वहाँ डाल दी है, तो ज़रूर जाए डिस्क्रिप्शन में चेक करें। और वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए कॉमेंट करें कि क्या मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं आपके लिए। अगर हेल्पफुल रहेगी तो ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।